नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 28 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए अहम सूचना। अगर आप रोजगार की तलाश में बैठे हैं और आपको रोजगार से जुड़े समाचार की तलाश है तो आप हमारे YouTube चैनल GOV PVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ज्ञात हो, हमारे चैनल पर आपको डेली प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी की ताजा जानकारी मिलेगी। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों। बिहार के 5 नए जिलों में अगले साल से शुरू होगा भूमि सर्वेक्षण का काम। भेटा में बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर नहीं होगा कोई बदलाव। नेपाल से फिर से छोड़ा गया पानी। बिहार में अब जन शिकायतों से निपटने के लिए बनेगा विभागीय पोर्टल। मैट्रिक पास छात्रों को अब छात्रवृत्ति लेना होगा आसान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने निकाली रिक्तियां। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्सा सहायक सर्जन के कुल मिलाकर 24 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के 5 नए जिलों में अगले साल से शुरू होगा भूमि सर्वेक्षण का काम। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के काम को बिहार सरकार बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में अब भूमि सर्वे के काम को बिहार के और 5 जिलों में विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है। इसकी जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने दी है, जिसके तहत बिहार के 5 नए जिलों में अगले साल के जनवरी से विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होने वाला है। फिलहाल 20 जिलों में यह काम हो रहा है। 44 गांव में विशेष सर्वेक्षण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। वहीं इस मुद्दे पर मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि जमीन के मामले में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, इसे कहीं से देखा जा सकता है, फिर भी प्रक्रिया में खुद की उपस्थिति फायदेमंद होगी। बिहार में बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर नहीं होगा कोई बदलाव। बिहार में बनने वाले एयरपोर्ट का निर्माण बिहार में ही होने वाला है। हालांकि कुछ दिनों पहले इस एयरपोर्ट के सारण जिले में शिफ्ट किए जाने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को बिहार में जमीन उपलब्ध करा दिया है। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब बस केंद्र सरकार को निर्माण कार्य शुरू करना है, क्योंकि यह उनकी ही जिम्मेदारी है, जिसके तहत बिहटावासियों को जल्द ही एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। इस बाबत नीतीश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से दरभंगा एयरपोर्ट के जमीन के अधिग्रहण का काम भी बहुत जल्द हो जाएगा। साथ ही साथ पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए भी राज्य सरकार काम कर रही है और वहां भी राज्य सरकार अपनी तरफ से काम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। बिहार के इन 16 जिलों के किसानों के बर्बाद हुए फसल की भरपाई करेगी सरकार। आंधी तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों पर ही पड़ता है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदा आते ही किसानों की लहलहाती फसलें सबसे ज्यादा बर्बाद होती हैं। हाल ही में आए यास तूफान में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। हालांकि तूफान के बाद बिहार सरकार ने किसानों को राशि मुहैया करवाने का आश्वासन दिया था। बिहार सरकार ने राज्य के 16 जिलों के किसानों को राहत देने का ऐलान किया है, जिसके तहत पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले में कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत और गैर रैयत किसान को दिया जाएगा। हालांकि दोनों तरह के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। क्षतिपूर्ति के रूप में न्यूनतम ₹1,000 दिए जाएंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नंद किशोर नवल की। नंद किशोर नवल का जन्म बिहार राज्य के वैशाली जिले के चांदपुरा नामक गांव में हुआ था। हिंदी विषय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से निराला का काव्य विकास शीर्षक विषय पर PhD की उपाधि पाई। नंद किशोर नवल हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना संपन्न शीर्षस्थ आलोचकों में से एक के रूप में माने रहे हैं। उनके अध्ययन एवं लेखन का क्षेत्र व्यापक रहा है। निराला एवं मुक्ति बोध उनके अध्ययन के केंद्र में रहे हैं तथा इन दोनों पर उनका लेखन मानक महत्व रखने वाला सिद्ध हुआ है। अपने समकालीन लेखन में नए से नए कवियों पर भी लिखने वाले नवल जी ने तुलसीदास एवं सूरदास से लेकर रीति काव्य तक पर कॉलम चलाई है। नेपाल से फिर से छोड़ा गया पानी, इन इलाकों में जारी हुआ अलर्ट। बिहार वर्तमान समय में वैसे ही बाढ़ के चपेट में है। ऐसे में नेपाल से फिर से बीते दिन 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण गंडक नदी के निचले इलाके में बसे
गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नेपाल में हो रही भारी बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में इस दिन से बच्चों को मिलेगा कोरोना का टीका। कोरोना की रफ्तार कई राज्यों में भयावह तरीके से बढ़ रही है। हालांकि इन सबके बीच बिहार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बिहार उन राज्यों में शुमार है जिन्हें फिलहाल पूरे देश में सुरक्षित राज्यों की सूची में देखा जा रहा है। इन सबके बीच बिहार में टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो, इस बात की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बच्चों का टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसको लेकर हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र से अनुमति मिलते ही बिहार में बच्चों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। आलम यह है कि बिहार के विभिन्न जिलों में बीते 2-3 दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि अभी बिहार वासियों को बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है, जिसके तहत मौसम विभाग का कहना है कि हिमालय के तराई से मॉनसून का होकर गुजरना उत्तर बिहार के कई स्थानों पर भारी बारिश की ओर संकेत कर रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के शेष भागों में मेघ गर्जन, बिजली चमकने और हल्के से मध्यम स्तर के बारिश के आसार जताए गए हैं। पंचायत चुनाव में एक कर्मचारी अधिकतम 4 चरणों में होंगे तैनात। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इन सबके बीच अब पंचायत चुनाव में तैनात होने वाले चुनाव कर्मियों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके तहत बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान एक कर्मचारी को अधिकतम 4 चरणों के चुनाव में तैनात किया जाएगा। इसको लेकर हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कर्मियों की कमी की दिशा में एक मतदान अधिकारी, मतगणना कर्मी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर को अधिकतम 4 चरणों में ही प्रतिनियुक्त किया जाएगा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने एक कर्मी को 3 चरणों में ही तैनात करने का निर्देश जारी किया था। इसके बाद जिलों में कर्मियों की कमी के कारण मात्र 3 चरणों में ही प्रतिनियुक्ति किए जाने में कठिनाइयां सामने आई। इसके बाद ही अब यह नया निर्णय लिया गया है। 3-3 ट्रैक्टर से भी नहीं हिला चिनूक। यूपी के प्रयागराज से बेहटा जाने के दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसे बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। चिनूक की दुरुस्त करने के लिए इंजीनियर बक्सर भी पहुंच गए हैं। इस बाबत वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि चारों तरफ कीचड़, जल जमाव और खेत होने के कारण टेक ऑफ होने में 1-2 दिन का समय भी लग सकता है। बीते दिन मिली जानकारी के अनुसार वहां 3-3 ट्रैक्टर को बुलाया गया था ताकि हेलीकॉप्टर के धसे हुए भाग को निकाला जा सके, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि ट्रैक्टर से हेलीकॉप्टर को निकालने में कोई खास मदद नहीं मिल सकी है। ऐसे में अब देखना है कि हेलीकॉप्टर बक्सर से कब टेक ऑफ करता है। मैट्रिक प्रमाण पत्र और मार्कशीट के लिए बिहार बोर्ड ने रखी यह शर्त। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक प्रमाण पत्र और मार्कशीट के लिए एक अनोखी शर्त रखी है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि ग्रेस मार्क से मैट्रिक में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों से बकाए की राशि लेकर प्रमाण पत्र और अंक पत्र निर्गत किया जाए। जिन छात्रों का पंजीयन शुल्क बाकी है, उन्हें शुल्क लेकर ही प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था करें। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल बोर्ड द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं आयोजित की गई थी। ऐसे में बोर्ड ने छात्र हित में 2 विषयों में असफल छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर सफल घोषित कर दिया था। उन छात्रों का अंक पत्र भी स्कूलों को भेज दिया गया है। भारत सरकार की मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के निर्माण की पहल हो रही है विफल। बिहार और केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाने का निर्णय लिया था। केंद्र और राज्य सरकार के धन से सभी 534 अंचलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का निर्माण होना है। इसके संचालित होने के बाद अंचल के रैयतों को जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज यहीं उपलब्ध हो जाएंगे। मामूली शुल्क के आधार पर उन्हें दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि सरकार की इस योजना में जमीन की बाधा उत्पन्न हो गई है। आलम यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इन अंचलों के लिए लंबे समय से जमीन की खोज करने में ही व्यस्त नजर आ रही है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रही है। हालांकि इन सबके बीच भू परिमाप एवं सर्वेक्षण निदेशक जय सिंह ने बताया कि इस साल अधिसंख्य मॉडर्न रिकॉर्ड रूम काम करने लगेंगे, यही सरकार का लक्ष्य है। राजधानी पटना का मान बढ़ाएगा बापू टावर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा बापू टावर की भी समीक्षा की।
बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार के समक्ष एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भवन निर्माण विभाग ने बापू टावर के डिजाइन को पेश किया के तहत विभाग के सचिव कुमार रवि ने बापू टावर के भौतिक प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने दी गई प्रस्तुति में बापू टावर एक बहुमंजिला इमारत होगी जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित होगी। आने वाले दिनों में ऐतिहासिक शहर पटना की शान में बापू टावर 4 चांद लगाएगा। मैट्रिक पास छात्रों को अब छात्रवृत्ति लेना होगा आसान। बिहार में मैट्रिक पास छात्रों के लिए अब छात्रवृत्ति लेना आसान होने वाला है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बीते दिन ही एक पोर्टल को लॉन्च कर दिया है जिसके तहत अब बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मैट्रिक पास छात्रों को आसानी से उनके खाते में छात्रवृत्ति का पैसा मिल पाएगा, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपना बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि छात्रवृत्ति प्रदान करने की प्रक्रिया को पहले से संक्षिप्त किया गया है। अब नई प्रक्रिया के तहत छात्र छात्राओं द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनकी जाति प्रमाण पत्र आवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र का सत्यापन ऑनलाइन ही हो जाएगा। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के साथ ही 15 दिनों के अंदर आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाता संबंधी विवरण के मुताबिक उनके खाते में सीधे राशि भेज दी जाएगी। बीपीएससी के ऑडिटर पद के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम सूचना। पंचायती राज विभाग में ऑडिटर के 126 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस बाबत बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑडिटर पदों पर भर्ती के लिए अहम नोटिस जारी किया है जिसके तहत अब उम्मीदवार bpsc.bih.nic.in पर जाकर नोटिस चेक कर सकते हैं। जारी किए गए नोटिस के अनुसार एग्जाम में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा SC ST महिला और विकलांग उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 32% अंक है, पिछड़े वर्ग के लिए कट ऑफ 36.5% अंक और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक निर्धारित किए गए हैं। बिहार में अब जन शिकायतों से निपटने के लिए बनेगा विभागीय पोर्टल। जन शिकायतों से निपटने के लिए बिहार में जल्द ही एक विभागीय पोर्टल तैयार करने का निर्णय लिया गया है जिसकी जानकारी गृह विभाग ने हाल ही में साझा की है। गृह विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पोर्टल के बनते ही इसकी नियमित निगरानी समीक्षा और अनुश्रवण गृह विभाग की तरफ से की जाएगी। गृह विभाग की माने तो लॉन्च होने वाले पोर्टल में न्यायालय में लंबित मामले, कब्रिस्तान और मंदिर चौहरदीवारी घेराबंदी के मामले, CCA संबंधित मामले, जेल संबंधित मामले, अभियोग निष्पादन के मामले, भूमि विवाद, पुलिस भवन निर्माण से लेकर प्रशाखावार लंबित मामलों की सूची तैयार की गई है जिसके बाद इन सभी मुद्दों को लेकर अब नियमित कार्रवाई करना संभव हो पाएगा। पटना से वाल्मीकि नगर जाने के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का लुफ्त उठा सकेंगे पर्यटक। बिहार में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार ने अब तक कई काम किए हैं, वहीं अब पटना से वाल्मीकि नगर का सफर भी आसान बनाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है जिसके तहत पटना से वाल्मीकि नगर जाने के लिए पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का विकल्प पेश किया गया है। बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने इसकी जानकारी दी है। इस बाबत उन्होंने कहा कि बिहार आने वाले पर्यटक राजधानी पटना से आसानी से और कम समय में वाल्मीकि नगर, बोधगया, रक्सौल और चंपारण पहुंच सके, इसके लिए विभाग प्रयास कर रहा है। फिलहाल इन तमाम जगहों पर पटना से पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से लंबी यात्रा करनी पड़ती है जिसमें समय लगता है। इस वजह से हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के जरिए पर्यटकों की यात्रा आसान हो। बिहार के सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे तंबाकू मुक्त। अब बिहार के सरकारी कार्यालय और स्वास्थ्य संस्थानों की दीवारें आपको लाल पीली नजर नहीं आएगी क्योंकि अब सरकारी कार्यालय और स्वास्थ्य संस्थानों को तंबाकू फ्री बनाने की योजना के साथ काम शुरू हो गया है। इसके लिए तंबाकू फ्री की होर्डिंग और बोर्ड लगाए जाएंगे। यह निर्णय शुक्रवार को 8वीं राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में लिया गया है। इस बाबत बीते दिन स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन करवाया गया था जहां घंटों मंथन किया गया। इस दौरान बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी और गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधियों की भी सम्मिलित किया गया था। जल संसाधन मंत्री ने बिहार में बाढ़ आने की बताई वजह। बीते दिन जदयू कार्यालय में जनता दरबार में पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ के आने का अहम कारण बताया है जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार आ रही बाढ़ को रोकने के लिए फरक्का बराज के डिजाइन को लेकर केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए। हर साल बिहार को बाढ़ की मार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बिहार में बाढ़ के दो बड़े कारण हैं, एक फरक्का बराज और दूसरा नेपाल से आने वाला पानी जो बहुत तेजी से अब बिहार में प्रवेश कर रहा है। फरक्का बराज को लेकर बिहार सरकार लंबे समय से मांग करती रही है, अगर टूट जाए तो वो बिहार के लिए और भी अच्छा है। कम से कम इसके डिजाइन को लेकर जरूर फैसला लेना चाहिए। बराज के कारण ही पानी की निकासी हो पाना मुश्किल है। बैकलॉग पदों को भरने की अनुशंसा पर तेजस्वी ने थपथपाई अपनी पीठ।
हाल ही में केंद्र सरकार ने आरक्षित कोटे से बैकलॉग रिक्तियों को भरने की अनुशंसा की है, जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव खुद ही मुंह मियां मिट्ठू बन गया है। यही कारण है कि उन्होंने केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आरक्षित कोटे से बैकलॉग रिक्तियों को केंद्र सरकार संबंधित विभाग को भरने के निर्देश दे चुकी है। इसको लेकर राजद ने प्रदर्शन किया था। अब केंद्र सरकार राजद की बात को मानकर रिक्तियां भरने का आदेश दे चुकी है। ज्ञात हो तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना और मंडल कमीशन की सभी अनुशंसा को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ हाल ही में प्रदर्शन भी किया था। तेजप्रताप यादव को छोड़ आकाश यादव ने थामा पारस गुट का हाथ। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के करीबी माने जाने वाले आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव का साथ छोड़ दिया है और लोजपा के पारस गुट के दामन को थाम लिया है। उन्हें केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सदस्यता दिलवाई। इसको लेकर पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी बीते दिन करवाया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह उन्हें राजद छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष से हटाने का फैसला जारी कर चुके थे। इसके बाद से ही आकाश यादव नाराज चल रहे थे, अब वो लोजपा के पारस गुट में शामिल हो गए हैं। ज्ञात हो राजद में सियासी घमासान अभी थमा नहीं है। वहीं आकाश यादव के लोजपा में जाने के साथ ही मामला और गहराने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन 1904 में आज ही के दिन हुआ था। साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल 1972 में आज ही के दिन पारित किया गया था। भाग्यश्री साठे शतरंज में 1986 को ग्रैंड मास्टर बनने वाली प्रथम महिला बनी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 और 2000 के सभी नोटों को प्रचलन से हटाने का निर्णय 2008 में आज ही के दिन लिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 को बिहार में आए बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित आज ही के दिन किया था। लोकपाल आंदोलन में अन्ना हजारे ने 2011 में भारतीय संसद द्वारा 3 मांगों के समर्थन का प्रस्ताव पारित करने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में 13 दिनों से जारी अनशन को स्थगित करने की घोषणा की थी। पीवी सिंधु ने 2017 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक आज ही के दिन जीता था। अभिनेता सुनील दत्त की पुत्री और पश्चिमी मुंबई से लोकसभा सांसद प्रिया दत्त का जन्म 1966 में आज ही के दिन हुआ था। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज सुनने से पहले सुन सकेंगे यूजर। अब व्हाट्सएप पर यूजर वॉइस मैसेज भेजने से पहले खुद भी आसानी से सुन सकेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप आपके वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड करते समय वेव फॉर्म को भी डिस्प्ले करेगा। नई फीचर वर्तमान में एंड्रॉइड और iOS बीटा टेस्टर के लिए उपलब्ध है। इससे पहले व्हाट्सएप ने वॉइस मैसेज की स्पीड बढ़ाने की संभावना को रोल आउट किया था। WA बीटा इन्फो के मुताबिक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के लिए 2 नए फीचर पेश कर रहा है। मैसेजिंग ऐप एंड्रॉइड और iOS बीटा टेस्टर के लिए वॉइस वेव फॉर्म को रोल कर रहा है। इसका मतलब है कि वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते समय यूजर को वेव फॉर्म आसानी से अब दिखाई देगा। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 27 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,620 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,820 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.99 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 94.75 रुपए प्रति लीटर थे। पारस ने चिराग को अपनाने से नकारा तो चिराग ने दिखाई दरिया दिली। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग के साथ कभी भी रिश्ते में मधुरता आने की बात से साफ इनकार किया है, लेकिन चिराग के बोल इससे ठीक उलट है। बीते दिन लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने पारस को पिता समान बताया। इस बाबत जमुई के सांसद ने कहा कि वो माने ना माने मैं उनका भतीजा रहूंगा ही, आज भी मैं उन्हें अपने चाचा ही मानता हूं। उनमें अपने पिता की छवि देखी है मैंने, हमेशा वो मेरे लिए उस भूमिका में रहेंगे। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने पशुपति पारस को धमकी देने के मामले में जांच की मांग भी की है। तेजप्रताप यादव की दिल्ली में हो रही है खातिरदारी। बिहार में बौखलाए तेज प्रताप दिल्ली में अपनी खातिरदारी करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरीके से उन्होंने दूरी बनाई हुई है। इन दिनों तेज प्रताप की तस्वीर तो इसी तरफ इशारा कर रही है कि अब उनका गुस्सा शांत हो गया है। इसी कड़ी में बीते दिन तेज प्रताप यादव की तरफ से कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई, जिसमें वो अपने दोस्त गया निवासी चैतन्य पालित के आवास पर व्यंजनों का लुफ्त उठाते दिखे। ट्विटर पर चैतन्य ने उनके साथ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अतिथि देवो भव। हालांकि उनकी इस खुशी को देखकर उनके समर्थकों में थोड़ा सुकून जरूर है, क्योंकि जब तेज प्रताप यादव बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तब उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन अब उनके गुस्से में थोड़ी नरमी महसूस की जा रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शिल्पी राज, शंकर मुखिया, विजय घायल, रविंद्र पासवान, राजीव कुमार, माही आनंद कुमार, विभा देवी, हिमांशु कुमार महतो, फुलेंद्र सिंह, नीतीश कुमार, अंशु सिंह, पंकज कुमार, अमरजीत कुमार, सुमा कुमारी, ब्रजेश कुमार, विभा कुमारी,
पिंटू कुमार यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।